उड़ियारा से लिए, उड़ियारा से लिए। अब उड़ियारा स्थिति क्या है? उड़ियारा स्थिति क्या है? उड़ियारा जयपुर बूंदी मार्ग पर स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर में बूंदी मार्ग पर स्थित है। तो प्रभाव भी कहेंगे वो भी जयपुर और बूंदी मार्ग पर स्थित है। उधर प्रभाव क्या कहेंगे हम ऊपर? जयपुर शैली है, बूंदी शैली का प्रभाव है। ठीक, उड़ियारा शैली पर कौन सी शैली का प्रभाव है? जयपुर में बूंदी शैली का प्रभाव है, क्योंकि जयपुर बूंदी मार्ग पर स्थित है। स्थिति है मुख्य रूप में खटा भी टोंक जिले में, खटा है उड़ियारा टोंक जिले में स्थिति। यह जयपुर बूंदी मार्ग पर टोंक जिले में स्थित है। नरुका टिकाने के वस्त्र द्वारा, नरुका टिकाना शासक कालीपांग द्वारा की गई हुई व्यू विकास करेगी वस्त्र द्वारा इस शैली का विकास किया गया। नरुका ठिकाने से संबंधित शासक है सरदार सिंह। कौन है? सरदार सिंह। सरदार सिंह ने चित्रकार धीमा, ठीक है, धीमा मीरबख्श, काशी रामलखन और भीम, पांच चित्रकार है। कौन कौन है? धीमा मीरबख्श, काशी रामलखन, भीम। पांच चित्रकार के दिए भी संरक्षण प्रदान करे या आश्रय प्रदान करे। कौन करे? सरदार सिंह। कौन सा वस्तु संबंधित है जो नरुका ठिकाना संबंधित है? जो है नरुका, नरुका विराजपुत श्रेणी है, नरुका वस्तु, नरुका वस्तु संबंधित है। पश्चिम चित्र देखो भी उड़ियारा शैली प्रमुख चित्र है, दोनों इंपॉर्टेंट है, राम सीता और लक्ष्मण चित्र है, हनुमान जी का चित्र। हनुमान जी का चित्र कौन सी शैली में है और हम कौन पढ़े या पश्चिम में? तो हनुमान जी का चित्र और राम सीता लक्ष्मण का चित्र किस शैली से संबंधित है? उड़ियारा शैली से संबंधित है। इस शैली पर प्रभाव भी जयपुर शैली में बूंदी शैली का प्रभाव रहा। अब अनिया पूछ ले राम सीता लक्ष्मण का चित्र है हनुमान जी का चित्र तैयार कर करियो पढ़ायो बोलो। हनुमान जी का चित्र किसने बनाया? उड़ियारा शैली से संबंधित हनुमान जी का चित्र का चित्र का चित्रण किसने किया? मीरबख्श। किसने किया? मीरबख्श। आ दोनों चित्र निर्माण कर करियो भाई मीरबख्श करियो। यह लाइन में लिख लियो कर करियो मीरबख्श द्वारा किया गया। राम सीता लक्ष्मण में हनुमान जी का चित्र का चित्रण मीरबख्श द्वारा किया गया। उड़ियारा से छोटी सी शैली। ठीक,